यह पौरुषहीन कथन है, जो होता है वह होने दो, यह पौरुषहीन कथन है, जो हम चाहेंगे वह होगा, इन शब्दों में ही जीवन है, इन शब्दों में ही जीवन है। साथियों, क्योंकि यहाँ पर कुछ फर्क के लोग हैं, यहाँ समझने समझाने की जरूरत नहीं है, अब लड़ने की जरूरत है, क्योंकि हम बातें बहुत जानते हैं। टुकड़ों में आरक्षण को समाप्त किया गया है, इसी प्रकार से हम गुलाम हुए हैं टुकड़ों में, लेकिन जब पानी जो है कि गले से ऊपर जाने लगता है, तब हमारे लोगों में चेतना आती है। हम मंदिरों में भीड़ लगाते हैं, हमें देश को उन लोगों के ऊपर नहीं छोड़ना है जो नदियों में जाकर डुबकी लगा रहे हैं और बहुजनों को डुबोने का काम कर रहे हैं। आज की कलाई में फिर दो हफ्तों के माध्यम से, दो लाइनों के माध्यम से अपनी बात रखने चाहूंगा। हाथ की कलाई में बाधा गुलामी का धागा तोड़ दो, अगर चाहते हो आजाद होना तो मंदिर जाना छोड़ दो मित्रों, मंदिर जाना छोड़ दो। पूरी हमारे प्रमुख वर्ग की एनर्जी समय भोगा पंथ में जाता है, धार्मिक अंधविश्वासों में जाता है, उसका पोषण करने में जाता है। क्या 70-80 के दशक का दौर था, हमारे लोग उतने सशक्त नहीं थे, लेकिन उस दौर में मंडल कमीशन की आधी अधूरी रिपोर्ट लागू हो गई, आज हम उसको बचाने में नहीं सक्षम है, ये हम लोगों के लिए शर्म की बात है। मैं इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। धन्यवाद।